खटीमा उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान 2025 के तहत चंपावत क्षेत्र से पुलिस ने 3.385 किलोग्राम चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीओ ऑपरेशन विवेक कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के तहत SP चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत आज चंपावत में SOG, HPU व कोतवाली चंपावत पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में धौन के निकट टनकपुर चंपावत NN में रोडवेज बस संख्या UK 07 PA 3206 में अभियुक्त के बैग से 4 पॉलिथीन के अंदर 3 किलो 385 ग्राम चरस को परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्रांतर्गत SOG व HPU की हमारी कोतवाली चंपावत की पुलिस टीम है, उनकी संयुक्त कार्रवाई चेकिंग जो हुई उसके दौरान ग्राम धौन के निकट टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे 125 में रोडवेज संख्या UK 07 PA 3206 में एक अभियुक्त उसका एक बैग था, उसमें 4 पॉलिथीन के अंदर करीब 3 किलो 385 ग्राम चरस बैग में परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोतवाली चंपावत में NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल अभी अभियुक्त से जो पूछताछ हमने की उसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो वो अभियुक्त है वो गाँव में अपने जो भांग की खेती है वो 2 वर्षों से कर रहा था और ये जो चरस है उसने वहीं से खेती करने के साथ साथ तैयार की है और अभी वो फिलहाल टनकपुर में जो हमारा पूर्णागिरी क्षेत्र है वहां वो बेचने जा रहा था। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।